प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। बुधवार को 439 नए कोरोना मरीज जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीज जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और रोजाना करीब 10 दिनों से 200 से अधिक मरीज प्रदेश में पाए जा रहे हैं। बुधवार से कोरोना के 3 मरीजों की जो है मौत हुई है। कोरोना से अब तक 140 मरीजों की जो है वो मौत प्रदेश में हो चुकी है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या इस वक्त प्रदेश में 10,886 पर पहुंच चुकी है। साथ ही अब तक 6,687 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कुल 4,020 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में मौजूद है। साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट इस वक्त घटकर 61.43% पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जो है जारी करके ये सारी जानकारी दी है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो घटता चला जा रहा है। एक समय था कि प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट था वो 80% से ऊपर था, लेकिन इस वक्त ये रिकवरी रेट 61% के आसपास आकर रुक गया है। तो वहीं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक और विस्तृत जानकारी से, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासनिक जो लोग हैं रोज बैठकें कर रहे हैं, रोज कोरोना को रोकथाम को लेकर बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो अमल होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस रोजाना सामने आ रही हैं ये अपने आप में रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। तो वहीं बुधवार को भी 439 नए कोरोना के मामले सामने आए। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की बैठकें तो हो रही हैं, बात तो हो रही है, कोरोना को रोकने की बात भी हो रही है, लेकिन कहां सरकार फेल होती हुई दिख रही है? देखिए, लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन दावों की पोल इस तरीके से खुल रही है कि मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। बाहर से आने वाले मरीजों में जो है, बाहर से आने वाले लोगों में, माफ कीजिएगा, कि कोरोना के जो है संक्रमण सबसे ज्यादा फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना के लोगों में जो है बहुत ज्यादा संक्रमण के लोग जो है दिखाई दिए। इसके साथ ही सरकार जो आदेश कर रही है तमाम जनपदों को, तमाम जो है अधिकारियों को, कि उनको कोरोना को लेकर मुस्तैदी दिखानी होगी, बॉर्डर पर जो है गंभीरता दिखानी होगी, जिससे जो है उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पता लग सके, लोगों की जानकारी मिल सके, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उससे जो है एक से दूसरे व्यक्ति में भी जो है ये कोरोना के मामले फैल रहे हैं। तो लिहाजा अब जो है और भी ज्यादा जो है मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, जिससे जो है कोरोना का संक्रमण ना फैले। था जिस तरीके से 439 मरीज जो है राज्य में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, वहीं 4 लोगों की कल भी मौत हुई है। तो लिहाजा जो है अब भी जो है अगर लापरवाही बढ़ती गई तो ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। अधिकारियों को जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हो गई है उसको गंभीरता से पालन करवाना होगा, अन्यथा जो है इस स्थिति में और भी ज्यादा जो है कोरोना के ज्यादा मरीज सामने आते दिखाई मिलेंगे। जी सौरभ, केसेस अधिक सामने आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बात रिकवरी रेट की करें तो रिकवरी रेट में एक बड़े अंतराल से गिरावट देखने को मिली है। जहां पहले रिकवरी रेट कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो 80% के आसपास हुआ करता था, तो इस वक्त प्रदेश में रिकवरी रेट 61% के आसपास पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए, एक समय ये था कि जब जो है रिकवरी रेट राज्य में 80% से ज्यादा तक पहुंच गया था, लेकिन अब जो है ये 60, 61, 62 तक ही जो है ये थम के रह गया है। लिहाजा जो है अब अधिकारियों को ये भी सोचना होगा कि आखिरकार जब जो है मरीज भर्ती आ रहे हैं तो उनको जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे जो उपचार किया जाए। एक तरफ जो है उनको अस्पतालों में बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है रिकवरी रेट जो डाउन हो रहा है, वहीं जो है अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। तो अब और भी ज्यादा जो है ये गंभीरता दिखानी होगी कि कहीं जो रिकवरी रेट जो है ज्यादा और ना घटे। मरीजों पर जो खास निगरानी रखनी पड़ेगी, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा मरीजों का उपचार हो सके और उनको लाभ मिल सके। जी सौरभ, बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन बातों और इन दावों को आईना खुद जो ये आंकड़े हैं कोरोना के वो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।